स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 19 देखते हैं अपन। कह रहा है करंट है 5 मिली एम्पियर का, जिसको गैल्वेनोमीटर से पास करते हैं। उसका खुद का कॉइल का जो रेजिस्टेंस है 15 है, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है इतने करंट पे। इसका मतलब है ये आपके पास जी का टर्म आ गया और ये आपके पास आई ऑफ जी का टर्म रहेगा, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट। फिर कहता है कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में चाहिए रहेगा हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज हो जाए 0 to 10। तो बच्चों, हम जब भी इसके थ्योरी लेक्चर्स पढ़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर में अगर कभी भी सीरीज के साथ कोई हेवियर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दे, सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, तो अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेता है वोल्ट मीटर में। ध्यान रखना, जब वोल्टमीटर एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट की तरह सर्किट में लगता है तो खुद तो ये पैरेलल में लगता है, लेकिन बनेगा कैसे, ये सीरीज में बनेगा। और एक और कंसेप्ट होता है, जब इसमें पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं अपन, पैरेलल में एक काफ़ी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, जिसको बुक्स वगैरह में शंट बुलाया जाता है, तो ये अपने आप को एमीटर बना लेता है। हम क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर में आता है तो ये दोनों ऑप्शंस जाते हैं। यहां पूछा है वोल्टमीटर, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। इसको एक डायग्राम से पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो बच्चों, एक नेट करंट आ रहा है अपने पास, और इसको अपन कह देते हैं फिलहाल लोड। इसके दो जो टर्मिनल्स हैं, लेट से ए और बी, इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजरमेंट 0 to 10 होना चाहिए। आप देख सकते हो आई जी जा रहा है, वो किस में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में लगा है। और यही तो पूछा है क्वेश्चन, कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब ये निकालना है। इन शॉर्ट, किसी गैल्वेनोमीटर में सीरीज में रेजिस्टेंस लग जाएगा तो यही आदमी क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। समझ रहे हो बच्चों? तो ए से लेकर के बी तक, फ्रॉम ए टू बी, आप केवीएल का एक इक्वेशन लिख लो, आपका आंसर मिलने लग जाएगा। अप्लाई केवीएल, राइट, केवीएल लिखते हैं, ये हो जाएगा वी ऑफ ए, ठीक है। ए पे चल रहे हैं, आगे गए, इस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जा रहा है यहाँ पे आई ऑफ जी जी पर, और यहाँ एक और जा रहा है आई ऑफ जी आर पर, और फिर आके अपन आ जाते हैं वी बी पे। तो यहाँ से मिल रहा है अपन को वी ए माइनस वी बी, और ये हो जाएगा आई ऑफ जी जी प्लस आर, राइट। डायरेक्ट यहां से स्टार्ट किया जा सकता है, अगर अपन को वोल्टमीटर के बारे में जानकारी है और ये कैसे आ रहा समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, इसको मैं V लिख लेता हूँ, V डिवाइड बाय I ऑफ G हो जाएगा, माइनस ऑफ G बराबर R। ये भी एक मेमोराइज करने वाला इक्वेशन होता है, V की जगह पे आएगा बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 10, IG होता है 5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 to power -3, और G का टर्म होता है 15, और ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आएगा अपना 2000 - 15, इट विल बी 1.985 into 10 to power 3, या बोल सकते हो आप किलो ओम में वैल्यू आ रही है, और ये अपना आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को अपन मार्क कर लेते हैं, और इतना ही रेजिस्टेंस चाहिए होगा सीरीज में किसी भी गैल्वेनोमीटर को बच्चों किस में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर में। ओके स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।